हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। और मैं हूं आपकी एजुकेटर शीना गुप्ता, लेकर आई हूं आपके लिए आज स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का सेशन। जो भी लास्ट 6 मंथ्स में स्पोर्ट्स में जितनी भी जो है नई नई उपलब्धियाँ हुई हैं, जो भी नए नए खेल जो है अलग अलग जहाँ पर डेस्टिनेशन पर हुए हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने जाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शीना गुप्ता और मैं जनरल अवेयरनेस की एजुकेटर हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाके यहाँ पर जो है कोई जो भी कैटेगरी यानी बैंक या बैंक से अलग भी अगर आप कोई भी यहाँ से ऑप्ट करते हैं, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद बस मेरा कोड आपको यूज़ करना है शीना1। मेरा कोड है शीना1। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड शीना1 यूज़ करने पर। और आप मेरे साथ लर्निंग ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च आइकन में जाके सिर्फ टाइप करना है शीना गुप्ता और मेरी प्रोफाइल फॉलो करना है। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है शीना गुप्ता प्रोफाइल को, और आप जो है मेरी क्लासेस आपको इसके जितने भी नोटिफिकेशन जितनी भी क्लासेस मेरी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका URL यहाँ पे दिया है। एक है अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट और दूसरा है बैंक एग्जाम क्वेस्ट, इसके थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ हमारे पास बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन के, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है कई कोर्सेज हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्सेज हैं। और देखिए सबके सामने जो है डिस्काउंट के बाद फीस मेंशन की हुई है, यानी सारे सब सब्सक्रिप्शंस के आगे जो है उनकी फ़ीस डिस्काउंट के बाद की लगी हुई है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी और जो है 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करिए शीना1। मेरा कोड है शीना1। ठीक है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो ये जो जितनी फ़ीस डिस्काउंट के बाद है इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से आ जाते हैं, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ्स के स्पोर्ट्स अफेयर्स की बात। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक व्हाट विल बी द इवेंट ऑफ समर ओलंपिक्स 2020 नाउ इन 2021 वेयर इज इट प्रपोज टू बी हेल्ड। यानी कोरोना वायरस के महामारी के कारण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन अब वर्ष 2021 में किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ होना प्रस्तावित है, बीजिंग में, टोक्यो में, लंदन में या फिर मैड्रिड में। तो जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी टोक्यो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी टोक्यो। और मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो समर ओलंपिक्स है ये 2020 में होने वाला था, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा आपको जो है समर ओलंपिक्स के बारे में बता देती हूँ यहाँ पर 2020 के लिए। ठीक है, इसका आयोजन अब जो 2021 में होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है, टोक्यो में होगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये कब से कब तक होगा, ये 23 जुलाई से शुरू होकर, ठीक है, 23 जुलाई से शुरू होकर ये 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। ठीक है, 23 जुलाई को नेक्स्ट पे कर देती हूँ। देखिए बी टोक्यो इसका आंसर है, और मैं आपको बता दूँ कि 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक ये 2021 में चलेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आपको वेन्यू पता ही है कहाँ पर होना है, टोक्यो जापान में होना है। और मैं आपको बता दूं कि पहले कब होने वाला था, ये 24 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाला था 2020 में। ठीक है,
लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, और इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई 2021 के लिए, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, और ये ऐसा जो है पहली बार हुआ है कि कोई भी ओलंपिक जो है वो क्या किया गया, टाला गया है। ठीक है, इस महामारी के चलते इस ओलंपिक्स को टाल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ओलंपिक्स जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था, कौन से ईयर में, 1896 में। ठीक है, सबसे पहला ओलंपिक्स। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में होने वाले ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। यानी ये जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होगा, इसको जो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इससे पहला जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, वो 2016 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था ये भी मैं बता दूं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ये जो ओलंपिक गेम है, ये हर 4 इयर्स पे इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्करी चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ कोरिया या फिर चाइना। तो जल्दी से बताइए भाई। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई इशू है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो कॉमनवेल्थ शूटिंग आर्करी चैंपियनशिप है, ये होने वाली है जनवरी 2022 में। ठीक है, ये जनवरी 2022 में होने वाली है, तो ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल और तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कि जनवरी 2022 में होने वाला है, ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये यहाँ पर होगा, किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है इशू हो गया इसको लेकर, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ कोरिया या फिर चाइना। मैं बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। और इंडिया में कहाँ पर होने वाला है ये, मैं आपको बता दूं, ये होने वाला है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये होने वाला है चंडीगढ़ में। और मैं आपको बता दूं ये कब होगा, ये तो इसकी डेट यहाँ पर मेंशन हो ही गई है, जनवरी 2022 में ये आयोजित किया जाएगा, कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्करी चैंपियनशिप। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कौन ऑर्गेनाइज करता है कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्करी चैंपियनशिप, ये भी मैं, कॉमनवेल्थ गेम्स फाउंडेशन इसको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स फाउंडेशन, ठीक है, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। और भी मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताती हूँ कि बेसिकली जो है यहाँ पर जो है इसको वित्त पोषित की अगर बात करें, ठीक है, यानी इसको कौन फिनेंस करता है, तो मैं आपको बता दूँ कि निशानेबाजी को कौन करता है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन। ठीक है, यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन जो है वो निशान को क्या करती है, शूटिंग चैंपियनशिप को वो फाइनेंस करती है, और तीरंदाजी यानी आर्करी चैंपियनशिप को कौन करता है, भारत सरकार जो है फाइनेंस करती है। ठीक है भाई, तो जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया क्वालिफाइड टू बिकम द फर्स्ट क्लब इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द AFC चैंपियंस लीग। भारत के किस फुटबॉल क्लब ने AFC चैंपियन लीग के क्वालिफाई कर ऐसा करने वाला क्लब भारत का पहला क्लब होने का गौरव प्राप्त किया है। जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ। FC बैंगलोर, FC चेन्नई, FC गोवा या फिर FC मुंबई सिटी।
मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है FC गोवा, ठीक है, यानी फुटबॉल क्लब गोवा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ इसके बारे में कि देखिए, फुटबॉल क्लब ये जो गोवा है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि गोवा ने ISL के अंतिम लीग मैच में जमशेदपुर को हराने के साथ AFC चैंपियनशिप चैंपियन लीग के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। और ये ISL क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ISL क्या है? इंडियन सुपर लीग, ठीक है। ISL क्या है? इंडियन सुपर लीग, ठीक है भाई, सॉरी लीग। मैं आपको यहाँ पर एक चीज कि FC गोवा के बारे में अब हम थोड़ा बात करते हैं, फुटबॉल गोवा के बारे में। तो भारत की प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है ये, ठीक है, भारत का एक प्रोफेशनल। और मैं बता दूँ का जो इसकी स्थापना हुई थी, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 26 अगस्त 2014, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 26 अगस्त 2014, ठीक है। और AFC चैंपियन लीग की मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताती हूँ, एशिया महाद्वीप के लिए वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है AFC चैंपियन लीग, ठीक है। और 1967 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन कौन करता है ये भी मैं आपको बता दूँ, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन क्या करती है, इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है भाई। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड मास्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड मास्टर्स प्लेयर हैज वन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड 34th कैंस ओपन चेस टूर्नामेंट। जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। गुकेश इंडिया, शिव महादेवन, ठीक है, शिवा महादेवन इंडिया, चोंगशेंग जेंग चाइना, या फिर हरतुन बारगेजियन फ्रांस। जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए। किस ग्रैंड मास्टर प्लेयर ने जो है हाल ही में जीता है, कौन सा टाइटल, एक टाइटल जीता है ग्रैंड मास्टर प्लेयर का, ठीक है, जिसने क्या किया था, कंक्लूड किया था 34th कैंस ओपन चेस टूर्नामेंट। मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ए गुकेश इंडिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली ये आयोजन कहाँ हुआ था, ये 34th कैंस ओपन चेस टूर्नामेंट का, ये कहाँ पे हुआ था? कैंस में, यानी कैंस कहाँ पर है? फ्रांस में, ठीक है, कैंस, ठीक है। तो ये जो कांस है ये बेसिकली कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल में विजयी खिलाड़ी जो है वो भारत के 13 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश जो है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो गुकेश कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अक्सर ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुकेश ने जो है वो बेसिकली जो है क्या किया था, 34th कांस ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है, तो ये उसमें ग्रैंड मास्टर का जो है उन्होंने खिताब जीता है। तो आप ये बताइए गुकेश जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु से बिलोंग, ठीक है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बता दूं कि फाइनल में इन्होंने पराजित किसको किया है, ग्रैंड मास्टर हरतुन बारगेसियन जो कि फ्रांस से हैं, उनको उन्होंने हराया है, यानी गुकेश ने किसको हराया है? हरतुन बारगेसियन, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि गुकेश ने फाइनल राउंड में फ्रांस के खिलाड़ी को 7.5 अंकों से हराकर कांस ओपन खिताब जीता है, ठीक है भाई। तो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर विन द मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 बी ऑर्गेनाइज। पुरुषों की FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इंडिया, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ कि बेसिकली देखिए, ये जो बात की जा रही है, ये FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 की, ये भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और महिला यानी FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है, ये तो मेंस का है, लेकिन जो विमेन वाला है, ठीक है, जो विमेन FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा 2021 में, ये कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप होना है कहाँ पर? इंडिया में, और विमेन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द फाइनल ऑफ द रिसेंटली प्लेड ATP मेक्सिकन ओपन 2022? हाल ही में खेले गए ATP मेक्सिकन ओपन 2020 टूर के फाइनल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर टेलर फ्रिट्स? तो भाई जल्दी से बताइए। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। ठीक है, इसका आंसर है राफेल नडाल। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये कहाँ पर हुआ था, ये मैं आपको बता देती हूँ, अकापुल्को मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको में ये हुआ था। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देती हूँ कि पुरुष एकल यानी मेन सिंगल का खिताब जो है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, और तीसरी बार। ठीक है, इससे पहले उसने जो है 2005 में इसको जीता था, 2013 में जीता था, ये तीसरी बार जो है जब उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो रनर अप हैं, जो उप विजेता जिसको हम कहते हैं, वो कौन है? टेलर फ्रिट्स। ठीक है, टेलर फ्रिट्स जो है वो उप विजेता है इसके। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी मैं बता दूं, टेलर फ्रिट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, बता सकता है कोई? मैं आपको बता देती हूँ, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ठीक है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ कि ये नडाल की का 85th, ठीक है, 85th ATP टूर खिताब था। ये जो नडाल है, राफेल नडाल, उनका जो है ये 85th जो है उनका टू 85th टूर जो है वो खिताब था। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूँ, राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ही बिलोंग्स टू स्पेन। ठीक है भाई, और महिला एकल, अगर विमेन सिंगल की हम बात करें तो कौन विनर था? मैं आपको बता देती हूँ, हीथर वॉटसन। ठीक है, हीथर वॉटसन जो है वो क्या नाम है इसका, उन्होंने विमेन सिंगल का टाइटल जीता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ब्रिटेन से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द फीफा वर्ल्ड ऑफ 2022 बी हेल्ड? वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये सब आने वाली भी जितनी जो भी गेम्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर इनका आयोजन होने वाला है, ये भी हम यहाँ के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो फटाफट से भाई सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कहाँ पर आयोजित होगा। इटली में, कतर में, अमेरिका में या फिर जर्मनी में? भाई ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, ये जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये जो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये बेसिकली कतर में होगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि ये 22वां संस्करण होगा, यानी इट विल बी द 22nd फीफा वर्ल्ड कप।
है, ये कौन सा वर्ल्ड कप होगा? 22nd फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, देखिए 2022 में होगा, और बेसिकली कौन सा है? 22nd फीफा वर्ल्ड कप। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूँ, ये कतर में होने वाला है, और साथ ही साथ जो है इसको किसके द्वारा जो है ये क्या नाम है आयोजित किया जाता है? फीफा के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक होगा, ठीक है, 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या कितनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 32 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट की करेंगी, ठीक है, 32 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और एक चीज मैं बता दूं कि उल्लेखनीय ये है कि अरब देश में आयोजित होने वाला यह पहला फीफा विश्व कप होगा, ठीक है, यानी अरब देशों में आयोजित होने वाला यह विश्व का पहल ये पहला फीफा जो है वो विश्व कप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड हैज बीन चोजन एज द मैस्कॉट फॉर द 36th नेशनल गेम्स हेल्ड इन 2020 मियान गोवा? तो जल्दी से भाई इसका आंसर दीजिए। दो हजार बीस में गोवा में आयोजित, ठीक है, 2020 में गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए किस पक्षी को शुभांकर चुना गया है? जल्दी से बताइए, रूबीगुला, तारस यानी क्रेन, सी डक, ठीक है, और डी मैना, किसको चुना गया है भाई, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूबीगुला, ठीक है, रूबीगुला जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर होना है, गोवा में, ठीक है, गोवा में। और मैं आपको बता दूं इसमें जो है कितने खेल होंगे, इसमें जो कितने गेम्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, 37, और 12,000 लगभग कितने जो है क्या नाम है प्लेयर, कितने खिलाड़ी जो है इसमें जो है वो भाग लेंगे, 12,000। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेसिकली 20 से लेकर 4 नवंबर तक हुआ है, ठीक है, ये कब से कब तक हुआ है, 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक ये आयोजित हुआ था। और मैं आपको यहाँ तो इसका आयोजन किसने किया है, IOA, ठीक है, इसका आयोजन किसने किया है, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, किसने किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, ठीक है भाई। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक और शेयर करते जाइए सेशन को, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो भाई सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, जैसे ही आप सेशन में जुड़ते जाते हैं सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा संस्करण था, इट वॉज द 36th नेशनल गेम्स, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो रुबेला है, जो इसका जो मैस्कॉट है रूबीगुला, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं लो थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है, तो ये लो थ्रोटेड बुलबुल है जिसे रूबीगुला भी कहा जाता है, ये गोवा का राज्य पक्षी है। तो इट इज द नेशनल बर्ड, इट इज द सॉरी इट इज द स्टेट लेवल बर्ड ऑफ गोवा, ठीक है, रूबीगुला। तो इसको ही बेसिकली क्या किया गया है, मैस्कॉट जो है इसका ऑप्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन निम्न में से किस शहर में हुआ था? फटाफट बताइए, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी या फिर बेंगलोर?
मैं आपको बता देती हूँ भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुवाहाटी असम। ठीक है, गुवाहाटी जो है वो एकदम सही आंसर है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, किस शहर में? गुवाहाटी में किया गया था। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ कि इसका जो आयोजक है, ठीक है, जो इसका ऑर्गेनाइजर है वो कौन है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजक है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और मैं आपको ये भी बता दूं, असम की राज्य सरकार। तो ये तीनों जो है वो इस पर्टिकुलर गेम के ऑर्गेनाइजर हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली इसमें यही चीज जो है मेन जानने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हु वन द मेन्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का पुरुष खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, डोमिनिक थीम और या फिर राजीव राम? तो जितने लोग भाई मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो क्या है, जल्दी से भाई सब लोग बताइए। नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो इसमें जो विनर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो पुरुष एकल है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। और किसके अगेंस्ट में जीता है? डोमिनिक थीम के अगेंस्ट में। ठीक है, और नोवाक जोकोविक जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नोवाक जोकोविक है सर्बिया से। ठीक है, ही बिलोंग्स टू सर्बिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रोजर फेड सॉरी डोमिनिक थीम जो है, ठीक है, जो कि उपविजेता है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर विमेन सिंगल की बात हो तो विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सोफिया कैनन ने जीता है, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, और उप विजेता है गार्बिने मुगुरुजा, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्पेन से। ठीक है, स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान से एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जल्दी से भाई जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। ठीक है, लाइक और शेयर करते जाओ फटाफट से, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और हम बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन इन सब क्वेश्चंस पे कर सकें। विच कंट्री डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द WSF वेमेन्स वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020? किस देश ने WSF महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में शामिल न होने का निर्णय लिया है? इंडिया, चाइना, जापान या फिर वियतनाम? भाई जल्दी से इसका आंसर बताइए, मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो होगा इंडिया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि ये जो WSF महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है, बेसिकली अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये कहाँ पर होना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये उक्त प्रतिस्पर्धा का आयोजन तिथि जो है वो 15 से लेकर 20 दिसंबर की है। ठीक है, 15 to 20 December 2020। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि इसका आयोजन जो है वो हर साल यानी हर 2 साल में होता है, यानी आफ्टर एवरी 2 years, वर्ष 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 4 अगस्त 2020 की स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय महिला स्क्वैश टीम WSF महिला विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में शामिल नहीं होगी। ठीक है, मैं
मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि इसका जो आयोजन स्थल है, ठीक है, ये तो बेसिकली हमें पता चल गया कि विच कंट्री डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन WSF, तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन ये कब से कब होने वाला है, कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में होने वाला है, और साथ ही साथ मैं बता दूं ये हर 2 साल में एक बार होता है, इंडिया इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और ये 22वां संस्करण है, यानी इट इज द 12th वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप, और मैं ये भी बता दूं ये कहाँ पर होने वाला है, ये मलेशिया में होने वाला है, ठीक है, ये कहाँ पर होने वाला है, मलेशिया में ये आयोजित होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मेन्स स्नूकर टाइटल इन द रिसेंटली कंक्लूडेड मनीषा वेस्कॉन नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2020? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाल ही में संपन्न मनीषा वैस्कॉन राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020, में पुरुष स्नूकर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पंकज अडवाणी, आदित्य मेहता, गीत सेठी या फिर सुमित तलवार? तो भाई जल्दी से एक बार यहाँ देख लीजिए, ये मेरा कोड दिया है नीचे, शीना वन, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोड हर स्लाइड में मेंशन है। अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं शीना वन, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये कोड आप बैंक या बैंक से अलग कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए कर सकते हैं, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो भाई मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आदित्य मेहता, ठीक है। आदित्य मेहता जो है वो इसका एकदम सही आंसर है, और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली कहाँ पर हुआ था, ये पुणे में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसके जो विजेता है वो कौन है, पंकज मेहता, सॉरी इसके जो विजेता है वो कौन है, आदित्य मेहता इसके जो है वो विजेता है, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु वॉज डिक्लेयर्ड द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019? देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम 2019 का क्यों बता रही हैं, तो मैं बता दूँ बेसिकली क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर या फिर कोई पर्सन ऑफ द ईयर किसी चीज में डिक्लेयर करती है, तो जब तक दूसरा वाला नहीं डिक्लेयर हो जाता तो क्या नाम है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जल्दी से भाई बताइए कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 जो है वो किसको डिक्लेयर किया गया, जोस बटलर को, इयान मॉर्गन को, बेन स्टोक्स को या फिर जेसन रॉय को? तो जल्दी से बताइए भाई बीबीसी स्पोर्ट्स विनर जल्दी से भाई इसके आंसर बताइए, क्या नाम है, किसको दिया गया है। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेन स्टोक्स, ठीक है, बेन स्टोक्स जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है मैं आपको बता दूं, क्रिकेट से, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 जो है वो बेन स्टोक्स को दिया गया है, ठीक है, तो ये बताइए ये कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, तो क्रिकेट से। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि कोच ऑफ द ईयर, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर बता देती हूँ, कोच ऑफ द ईयर जो है वो किसको दिया गया है, मैं जॉन ब्लैकी को, ठीक है, जॉन ब्लैकी को जो है कोच ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, इंग्लैंड विश्व कप की टीम को, ठीक है, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम को जो है वो क्या दिया गया है, टीम ऑफ द ईयर दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, ये
ये किसको दिया गया है तो मैं बता दूं, टॉनी ग्रे थॉम्पसन को दिया गया है, ठीक है। टॉमी सॉरी टॉनी ग्रे थॉम्पसन को लाइफ टाइम अचीवमेंट का खिताब दिया गया है, ठीक है भाई। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। स्पोर्ट्स का सेशन है भाई, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जो है सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं, ठीक है। इन विच कंट्री वॉज द ICCU 19 वर्ल्ड कप 2020 हेल्ड, तो यानी ये क्या है अंडर 19, ठीक है। ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो जल्दी से भाई सब बताइए। देखिए स्पोर्ट्स का मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि बेसिकली अगर आप लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो हो सकता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज होती है जो उससे अलग भी जो है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है 2019 का, तो ये लास्ट ईयर का है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये वंस इन अ वाइल होता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये बेसिकली कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और मैं बता दूं इसमें जो है कुल टीम कितनी थी, 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये 13th ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप था इस बार 2000, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें विजेता जो है वो पहली बार, अगर कोई टीम अक्सर, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभी तो यही पूछा कि आयोजन देश कौन सा था, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो जीता किसने है, तो इसके विजेता कौन थी, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है इसकी विजेता टीम है। और मैं आपको बता दूं कि उपविजेता भारत है, ठीक है, बांग्लादेश ने जीता है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, बड़े ही ठीक है, पिछले संस्करण का विजेता कौन था, भारत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू स्पोर्ट वॉज इंक्लूडेड इन द रीसेंट थर्ड खेलो इंडिया गेम्स 2020, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स 2020 में किस नए खेल को शामिल किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए, लॉन बाउंस, साइकिलिंग ANB या फिर लॉन टेनिस, क्या इसका आंसर है। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉन बाउंस एंड साइकिलिंग, यानी दो खेलों को जो है वो शामिल किया गया है तीसरे खेलो इंडिया गेम्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से है, लॉन बाउंस और साइकिलिंग, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कौन से प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, खेलो इंडिया 2020 में इनको शामिल किया गया है। और मैं आपको ये भी, अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा है, ये जो खेलो इंडिया जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भाई गुवाहाटी असम में अभी आयोजित हुआ था, ठीक है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि खेलो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अविनाश जोशी, कौन है, अविनाश जोशी, ठीक है भाई। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो यार। द फिफ्थ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2020 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, पांचवी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, IHAI नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2020 निम्न में किस स्थान पर संपन्न हुई है, श्रीनगर, शिमला, दार्जिलिंग या फिर ले। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा, श्रीनगर होगा, शिमला होगा, दार्जिलिंग होगा या फिर ले होगा। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं भाई फटाफट से यहाँ पर जो है मेरा कोड देख लीजिए भाई, अगर आप सभी लोग जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है यहाँ से प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, तो फटाफट से मेरा कोड यूज कर सकते हैं, Sheena1, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो आपको बताना है फिफ्थ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ले, ठीक है, ले लद्दाख। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बेसिकली अगर ये जो है ये कहाँ पर हुआ था, करजू आइस हॉकी रिंग ले में, ठीक है, करजू आइस हॉकी ले सॉरी रिंग ले लद्दाख में ये आयोजित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली टीम कौन सी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 जो है इसमें बेसिकली आयोजित करने वाली जो टीम में थी, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, महाराष्ट्र, लद्दाख, ये सब जो है बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी, ठीक है, यानी मेंस में, ठीक है, मेंस टीम में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और लद्दाख ने। और विमेन्स कैटेगरी में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग जो है भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which island has been selected to host surfing competitions during the Paris Olympic 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान सर्फिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु किस द्वीप का चयन किया गया है? ताहिती, टोंगा, फिजी या फिर सामोआ? तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, क्योंकि वीडियो ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आने वाले कौन कौन से खेल कहाँ पर होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया पेरिस ओलंपिक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बताइए भाई पेरिस ओलंपिक्स 2024 के दौरान सर्फिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु किस द्वीप का चयन किया गया है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ताहिती, ठीक है, ताहिती जो है वो एकदम सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि सर्फिंग के लिए जो है वो ताहिती द्वीप का जो है चयन किया गया है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, ताहिती में होगा, पॉलिनेशियन द्वीप, ये क्या है, एक पॉलिनेशियन द्वीप है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये बेसिकली यहाँ पर कौन सा ओलंपिक्स होने वाला है, पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, कौन सा ओलंपिक्स होने वाला है, पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू प्ले द रोल ऑफ रेफरी इन द मेंस ओडीआई मैच? पुरुषों के एक दिवसीय मैच में रेफरी की भूमिका अदा करने वाली पहली महिला कौन है? क्लेयर टेलर, जीएस लक्ष्मी, दीप्ति शर्मा या फिर स्टेफनी टेलर? जल्दी से भाई आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दो यार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेना है हमको, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। क्लेयर टेलर, जीएस लक्ष्मी, दीप्ति शर्मा या फिर स्टेफनी टेलर? तो मैं आपको बता दूं भाई इसका करेक्ट आंसर है जीएस लक्ष्मी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जीएस लक्ष्मी। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये पहले शी वॉज अ इंडियन क्रिकेटर, मतलब अगर हम बात करें फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ये रह चुकी है, पहले ये इंडियन क्रिकेटर रह चुकी हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है जीएस लक्ष्मी। मैं बता दूं कि पुरुषों के एक दिवसीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पॉलिसिक हैं, ठीक है, क्लेयर पॉलिसिक, ठीक है भाई, क्लेयर
ये हमारे जो है क्या नाम है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जो है आप देखिए, द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज इन आईपीएल हिस्ट्री इज, आईपीएल के इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? जल्दी से बताइए, विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल या फिर डेविड वार्नर। तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, शिखर धवन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली कैपिटल्स बैट्समैन, ये दिल्ली कैपिटल के जो बैट्समैन है शिखर धवन, उन्होंने 20 अक्टूबर 2020 को जो है, वो 20 अक्टूबर 2020 को पहले क्रिकेटर बन गए हैं इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में, टू स्कोर बैक टू बैक सेंचुरीज, यानी बैक टू बैक सेंचुरीज जो है स्कोर करने वाले वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। और ये बेसिकली किस टीम को बिलोंग करते हैं? दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन 2020 वॉज वन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डेनमार्क ओपन 2020 किसके द्वारा जीता गया था? जल्दी से बताइए, एंडर्स एंटोनसन, नोजोमी ओकुहुरा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, या फिर कैरोलिना मेरिन। जल्दी से बताइए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। जितने लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है सेशन को, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोग हमारे साथ जुड़ जाएं इस सेशन में। तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है भाई सी, बोथ, यानी एंडर्स एंटोनसन और नोजोमी ओकुहारा। ठीक है भाई, तो बोथ इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश हैज बीन नेम्ड एज यूएफए, यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। डैश को यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार या फिर लॉयन मेसी। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का आपको बताना है भाई। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, इसके लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए भाई, मैं आपको बता देती हूँ कि फटाफट से भाई, मैंने भी सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है, आप भी सभी लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ए, रॉबर्ट लेवांसवोकी। ठीक है, तो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है रॉब, ए जो है आपका आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप वॉज वन बाय, तो ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिलाओं की चैंपियनशिप डैश द्वारा जीती गई है। तो क्या आंसर होगा? जॉर्जिया हॉल, एशले बार्टी, लीडिया को या फिर सेरेना विलियम्स। मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी आंसर एकदम सही है, एशले बार्टी। और मैं आपको बता दूं कि द टॉप रैंक वेमेन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड अ फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर एशले बार्टी हैज नाउ एडेड अनदर फीट इन हर स्पोर्टिंग लिस्ट बाय विनिंग ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। यानी जो टॉप रैंक वेमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर है वर्ल्ड की, ठीक है, और फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर है एशले बार्टी, उन्होंने जो है अपनी जीत में एक और जीत को हासिल कर लिया है, यानी इन हर स्पोर्टिंग लिस्ट, अपनी स्पोर्ट्स की लिस्ट में उन्होंने एक और जीत जो है हासिल कर ली है। किसको जीत के? ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वेमेन्स चैंपियनशिप को। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडटेक मेजर ग्रेट
लर्निंग। तो ये स्पोर्ट्स के भाई ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्पोर्ट्स में एम्बेसडर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो आपको बताना है, एडटेक प्रमो ग्रेट लर्निंग द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को, एमएस धोनी को, विराट कोहली को, या फिर युवराज सिंह? तो जल्दी से बताइए भाई। तो जितने भी लोग भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम चाहेंगे कि लोग आप इस सेशन में, हर स्टूडेंट को ये सेशन जो है सर्कुलेट हो स्टूडेंट्स तक, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका आंसर जो है वो है सी, विराट कोहली, ठीक है। देखिए, विराट कोहली जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन, हु ऑल्सो टॉप द रिसेंट रैंकिंग ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटीज, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या जीता है, पावरफुल सेलिब्रिटीज का जो है खिताब भी उन्होंने जीता है। तो भाई इंडिया के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज का रैंकिंग में भी वो भी उन्होंने जो है इंडिया रैंकिंग जो है टॉप किया है। तो मैं आपको बता दूं, विल नाउ बी द फेस ऑफ द ग्रेट लर्निंग ब्रांड। तो जो ग्रेट लर्निंग ब्रांड है एडटेक, ठीक है, मेजर ग्रेट लर्निंग ब्रांड जो है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है विराट कोहली को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है भाई। तो जल्दी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारी सेशन का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, 25 क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो बाय विच बोर्ड फेडरेशन, बाय विच बोर्ड और फेडरेशन थॉमस एंड ऊबर कप फाइनल्स पोस्टपोन टू 2021, किस बोर्ड फेडरेशन थॉमस और ऊबर कप फाइनल को, ठीक है, किस बोर्ड या फेडरेशन के द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया है, इसको 2021 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है? तो जल्दी से बताइए। तो भाई मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BWF, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है BWF, जिसको हम कहते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो है थॉमस और ऊबर कप फाइनल्स को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, कब तक के लिए, 2021 तक के लिए। और अर्लियर, अगर हम पहले की बात करें, तो ये पहले कब होने वाला था, 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2020 में, कहां पर होने वाला था, डेनमार्क में, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया है, कब तक के लिए, 2021 के लिए, ठीक है। तो टेंटेटिव डेट आ ही जाएगी इसकी बहुत जल्दी, ठीक है। 2021 तक के लिए इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, रिसेंटली विच इंग्लैंड क्रिकेटर अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, हाल ही में किस इंग्लैंड क्रिकेटर ने अपने संन्यास की घोषणा की है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, इतने सारे लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपने संन्यास की घोषणा की है? मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यान बेल, ठीक है। इंग्लैंड क्रिकेटर इयान बेल हैज अनाउंस दैट ही विल रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एट द एंड ऑफ 2020 डोमेस्टिक सीजन, यानी 2020 के डोमेस्टिक सीजन के अंत तक वो जो है अपना रिटायरमेंट जो है वो पूरी तरीके से वो अपनी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, इयान बेल, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में इयान बेल ने अपनी क्या नाम है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो ये बताइए वो कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो इंग्लैंड से संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि देखिए, सेशन जो है आप ही लोगों के इंटरेक्शन से इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ सेशन में जुड़ेंगे, तो सेशन को हम और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ सेशन में जुड़े रहें, तो भाई जल्दी से मेरे सेशंस और वीडियोस और उसको लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर हिट कर दीजिए। तो भाई अगर आपको सेशन पसंद आया हो, तो फटाफट से सभी लोग, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो, सेशन को लाइक कर दो,
शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, ठीक है? बेल आइकन पे हिट करिए नोटिफिकेशंस के लिए। ये मेरा कोड दिया है नीचे, शीना 1, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, शीना 1, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स की फीस पे, ठीक है? यानी अगर आप बैंक या बैंक से अलग कोई भी जो है क्या नाम है प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है शीना 1, आप मेरा कोड यूज करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम ऐप पर जुड़ सकते हैं जिसका यूआरएल जो है वो अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट है। और इसके अलावा एक और है बैंक एग्जाम क्वेस्ट, जिस पर जब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सेशन शुरू होने से 5 मिनट पहले जो है उस पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं जो भी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है? और साथ में मैं आपको बता दूं, सेशन के लास्ट में मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ एक रैंडम क्विज। और ये रैंडम क्विज जो है ये आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू जो है क्या नाम है अटेम्प्ट करते हैं। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू जब आप कोई भी सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है, जब आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो उसका डायरेक्ट जो है उसका जो मार्क्स हैं, जो आपके एक्सपी हैं, वो आपको अनअकैडमी में आपकी प्रोफाइल में आपके जो स्कोर में ऐड होता जाता है। और आपका नाम भी टॉप 3 रैंकर्स में आ सकता है अगर आप मेरे साथ क्विज में जुड़ जाते हैं तो, ठीक है? तो भाई अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।